नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दो दिन की दोस्ती एक महिला को महंगी पड़ गई। महिला की नई नई सहेली बनी थी जो घर आई, महिला को मासूम बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आई। फिर सहेली ने पार्टी का प्लान बनाया, बच्चों की माँ को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उसके बाद सहेली गायब थी और महिला के दोनों मासूम बच्चे भी। आखिर किडनैपिंग की ये गुत्थी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोल्ड ड्रिंक का किडनैपिंग कनेक्शन, बेहोशी का खेल, किडनैपर्स की चाल, मासूम बच्चों का गुनहगार कौन, दो बच्चों का अपहरण, संगीन इल्जाम, वो तोहफे लाई और बच्चों को ले गई, कहाँ हैं लापता भाई बहन, किडनैपिंग में किडनैप कौन सा राज, दो दिन की दोस्ती और दो मासूम बच्चों का अपहरण। ये महिला ऐसे ही संगीन इल्जाम लगा रही है उस पति पत्नी पर जिनसे इस महिला की दोस्ती 18 अगस्त को हुई। ग्वालियर के 7 नंबर चौराहे पर 19 अगस्त को वो अज्ञात महिला फरियादी सरोज बरार के घर पहुंची। सरोज के 3 साल के बेटे और 15 दिन की मासूम बेटी के लिए कपड़े लेकर आई। उसके बाद सरोज ने जो सच बताया वो हैरान करने वाला है। महिला ने कहा चलो पार्टी करते हैं। सरोज राजी हो गई, पार्टी हुई, पार्टी में कोल्ड ड्रिंक दिया गया। सरोज का कहना है कि उसने कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद वो बेहोश हो गई। होश आया तो सरोज के कलेजे के टुकड़े गायब थे। मेरे दोनों बच्चे टाल पे से चोरी हो। कैसे ले गए, कौन ले गया, कहाँ पे थी आप? एक लेडीज थी और इसके साथ में उसका हस्बैंड भी था। मुझे नशा करा दिया दोनों को ले। एसपी ऑफिस गुहार लेकर सरोज पहुंची है। सरोज अपनी बहन और जीजा के साथ रहती है, जैसे तैसे बच्चों को पाल रही थी। आखिर किडनैपिंग के आरोपों का सच क्या है? क्या उस दंपत्ति की बच्चों पर नजर थी जो बच्चों को चुराना चाहते थे, इसलिए कपड़े लाकर पहले भरोसा जीता और फिर भरोसे पर ऐसे प्रहार किया? कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला दिया। आप उनको जानती थी? सकल से तो जानती हूँ उनको। मुरार थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों बच्चों की तलाश जारी है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन मासूमों का गुनहगार कौन है? क्या किडनैपर्स ने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी का खेल खेला था? सवाल ये भी है कि कहीं किडनैपिंग में कोई ऐसा राज तो कैद नहीं जिसका कनेक्शन बच्चे के किसी अपने से है। सच का पता पुलिस वाले लगा रहे हैं, आखिर मासूमों का असल गुनहगार कौन है? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। स्पेशल 26 भी इन नकली पुलिस अधिकारियों के आगे पानी मांगे, जिनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त कि सीधे 1.5 करोड़ ही लूट लिए, वो भी नकली अधिकारी बनकर। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। जिस गैंग ने कहा संदूक कहां है, आखिर संदूक के बारे में कैसे पता चला, ये वारदात खबरदार कर रही है कि धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। हम क्राइम ब्रांच से हैं, नकली पुलिस वाले असली रे, फर्जी पुलिस वालों का फरमान। संदूक कहां है, कौन था राजदार, 1.3 करोड़ की ठगी लाइव, लाइट कैमरा एक्शन। स्पेशल 26 मूवी को भी इस फर्जी क्राइम अधिकारियों ने मात दे दी। ऐसी रेड के सामने वाले के पास सरेंडर करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं। रेड करने वाली टीम में 4 आदमी और ये 2 महिलाएं शामिल थीं। सब आईडी कार्ड लटकाए हुए थे। रॉब ऐसा झाड़ा कि फरियादी कृष्ण कुमार मिश्रा डर गए। कृष्ण कुमार के घर पर संदूक में 1.3 करोड़ रुपए रखे थे। सीधे फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, जिसने सवाल किया संदूक कहाँ रखा है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 13 अगस्त की घटना पर एक अगले दिन जो है एक रिपोर्ट आई कि प्रार्थी कृष्ण कुमार मिश्रा के घर में 6 लोग आए, 4 पुरुष और 2 महिलाएं, और उनके द्वारा उनके
मित्र के द्वारा जो उनके घर में संदूक रखाया गया था जिसमें कुछ पैसे थे, उसको आरोपियों के द्वारा मांगा गया। सीसीटीवी में कैद हुई थी घर में एंट्री करने और जाते हुई तस्वीर। बाकायदा गाड़ी से दबिश देने पहुंचे थे नकली पुलिस वाले। अब असली कहानी हम आपको बताते हैं, कौन सी गैंग है ये। फरियादी ने अपने दोस्त विद्या प्रकाश पांडे को कॉल लगाया। दरअसल फरियादी कृष्ण कुमार मिश्रा के घर उनके दोस्त विद्या प्रकाश पांडे ने संदूक रखा था। कुछ लोग क्राइम ब्रांच है करके घर के अंदर घुस गए और दो लेडीज, चार जेंट्स और लेडीज लोग पत्नी को पकड़ लिए और भाभी और भांसे भांचा के पत्नी को पकड़ लिए और उसके बाद सीधा घुस गए जहाँ पर बेटी रखी हुई थी, उस बेटी को तोड़े और तोड़ के तुरंत दो आदमी लेके चले गए। पुलिस की टीम 1,30,00,000 की ठगी के तार को खंगाल रही थी। ये भी धमकी दी गई थी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर संदूक के बारे में फर्जी पुलिस वालों को कैसे पता चला, कैसे पता था कि संदूक में करोड़ रुपए से ज्यादा रखे हैं। तो ये कहानी पुलिस की माने तो विद्या प्रकाश पांडे के घर से ही लीक हुई कि कृष्ण कुमार मिश्रा के घर संदूक रखा गया है। ये बात फैलते फैलते इस गैंग के कानों तक गई और फिर बना लूटने का प्लान। क्राइम ब्रांच बनकर उनको बोला गया कि आप कहीं फोन नहीं लगाएंगे और ये सामान हम लेने आए हैं, ये सामान हमें दीजिए। और ऐसा उन लोगों ने जो है उसके यहाँ से उस संदूक उठाकर ले गए और उसमें रखे पैसे, ज़मीन के कागजात वगैरह निकाल करके संदूक फेंक दिया। और इस पर जो है अगले दिन उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई, पुलिस के द्वारा घटना की तस्दीक की गई जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेहियों की पहचान की गई और इसमें शामिल जो है दो आरोपियों को पुलिस ने जो है अरेस्ट किया है। इनसे 30,00,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। अभी दो आरोपी पुलिस के रडार पर आए हैं, चार आरोपियों को पकड़ा जाना बाकी है। ये खबर खबरदार कर रही है कि अपने घर का राज किसी से भी शेयर ना करें। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दरिंदे, शैतान, हैवान इस समाज में इंसान का मुखौटा लगाए हुए हैं, लेकिन खाल ओढ़े हैं भेड़ियों की, जिनकी हैवानियत का काला चिट्ठा। सुनिए, फिर सुनाई दी है चित्कार, फिर रौंदी गई आबरू, फिर हुआ है चीरहरण। आखिर कब तक दरिंदों की दहशत में जिए चिरैया। हैवानियत जो थर्रा दे, वो मेला देखने गई, किसने रोका रास्ता। रक्षाबंधन के दिन इंसानियत तार तार, विधवा महिला से गैंगरेप, रायगढ़ में हैवानियत, 10 दरिंदे और वो अकेली। आखिर कितने शैतान और कितने हैवान। फिर सुनाई दी चीखें, फिर हुआ चीरहरण, फिर चीतका, फिर वही मदद की पुकार, फिर वही बेबसी, फिर वही दर्द, फिर वही जख्म। बस बदला है तो शहर, बस बदली है तो पीड़िता, लेकिन नासूर वही। ऐसे ही दरिंदे समाज पर कलंक लगाते हैं। काले नकाब से झांकती इन आंखों में दरिंदगी थी, वह शिपन था। इन हैवानों के दिलो दिमाग पर छाया तो बस नशा। जिन दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, एक महिला को अकेला देख और उस बेबस बेचारी महिला पर ये दरिंदे टूट पड़े। जिस्म के भूखे इन भेड़ियों के लिए वो महिला शिकार थी, वो महिला जो लाचार थी, जिसने ना जाने कितने लोगों को मदद के लिए पुकारा होगा, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। रायगढ़ में तार तार हुई है इंसानियत। पीड़िता 27 वर्षीय पीड़िता कल दिनांक 20 तारीख को दोपहर में थाना आके रिपोर्ट करवाई कि उसके साथ 19 को शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास कुछ लड़कों ने अनैतिक संबंध बनाए हैं। राखी का दिन था, वो त्योहार का दिन, लेकिन उस महिला की रक्षा करने वाला कोई नहीं था जो मेला देखने गांव से रायगढ़ के लिए निकली थी। इल्जाम कि एक आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर
जबरदस्ती महिला को तालाब किनारे ले गया। फिर उसके बाद तो सुनाई दी चीख पुकार और इन दरिंदों की बेशर्म हंसी। वो अपने गांव से मेला देखने के लिए रायगढ़ के लिए निकली थी, तब रास्ते में कुछ लड़कों ने उसको रोक के उसके साथ बलात्कार किया है। मामला जैसे ही संज्ञान में आया तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, अपराध क्रमांक 194/24 जो कि गैंग रेप की धारा 70/1 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जैसे तैसे इन हैवानों के चंगुल से महिला छूटी, थाने गई, जिसने राखी की रात उसके साथ जो दरिंदगी हुई उसका दर्द बयां किया। मामला संगीन था, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस के रडार पर ये दरिंदे आए, 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले में जो पीड़िता है उनका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। विधवा महिला से गैंगरेप मामले में और कितने दरिंदे हैं उनकी तलाश जारी। सवाल वही, आखिर और कितने हैवान और कितने शैतान। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीने पर वार, शूटआउट एट कार, यही है इस मर्डर मिस्ट्री का प्लॉट। उस लापता लड़के की कार जंगल में मिली जिसे कार में ही शूट किया गया था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सीने पर 3 गोलियां दागी गई, आखिर इंतकाम कौन सा है। गुमशुदा की तलाश, कार में मिली लाश, 3 गोली, काम तमाम, इंतकाम। नफरत का वार सीने पर ठाए ठाए, कॉल डिटेल्स में कैद कातिल का राज। वो कातिल के साथ जा रहा था अंबिकापुर शूटआउट कार। इस जंगल में उस गुमशुदगी का राज छुपा था जिसकी रिपोर्ट कुछ घंटे पहले ही दर्ज हुई थी। पुलिस थाने में अक्षत अग्रवाल की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे तभी पुलिस वालों को खबर लगी कि जंगल में किसी की लाश मिली है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना इलाके में एमजी रोड के रहने वाले लापता अक्षत अग्रवाल का कनेक्शन इस जंगल से निकला। अक्षत कार लेकर अपने घर से शाम 6 बजे निकला था। घर वालों ने उसे फोन लगाया लेकिन फोन नहीं मिला। घर से करीब 6 किलोमीटर दूर इस जंगल में जो कार मिली थी वो अक्षत की ही थी। अक्षत अग्रवाल का मर्डर हुआ था, कत्ल कार में हुआ था। कल गांधीनगर में महेश कुमार केडिया, जिनकी अंबिका स्टील के नाम से गांधीनगर क्षेत्र में दुकान है, उन्होंने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका लड़का अक्षत अग्रवाल जो है वो करीबन शाम को 6 बजे से अपने साथ मोबाइल लेकर के गया है और सफ़ेद रंग की एक्स्ट्रा कार में निकला है और कुछ टाइम से जो है उसका मोबाइल बंद है। तत्पश्चात थाना गांधीनगर में जो है वो मिसान कायम किया गया। अक्षत अग्रवाल की हत्या जिस तरीके से की गई वो भी हैरान करने वाली थी। 3 गोली अक्षत अग्रवाल को मारी गई, 3 गोली सीने पर मारी गई थी। सवाल है क्यों सीने पर 3 फायर, आखिर किस इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा था। सवाल ये भी कि अक्षत अग्रवाल इस जंगल में कैसे आया। और जो संदेही है उसने ये बताया है कि अक्षत अग्रवाल की जो हत्या हुई है और ये जो डिगमा का जंगल है अंदर में, वहाँ पे आकर पुलिस के द्वारा देखा गया कि जो सफ़ेद रंग की एक्स्ट्रा कार थी उसके अंदर में जो है वो अक्षत अग्रवाल का शव पड़ा हुआ था। 3 गोली जो है उसकी छाती में दागी गई है जिसमें कि 1 जो है वो निकली है और 2 फंसी बताया गया। कॉल डिटेल्स से पुलिस के हाथ एक संदिग्ध शख्स लगा है। शक है कि उसका हाथ इस कत्ल में हो सकता है। वो संदेही कार में अक्षत अग्रवाल के साथ मौजूद था। सूत्रों की माने तो संदेही अक्षत की शॉप पर 2 साल पहले काम करता था जिसने काम छोड़ दिया था। उस संदिग्ध शख्स के पास करीब 50,000 रुपए भी मिले हैं। क्या इस कत्ल का किसी लेन देन से कनेक्शन है? इस जंगल में ये शूटआउट क्यों हुआ? एक संदिग्ध है जो संदेही है उसको गिरफ्तार किया गया है। मामले में जो है वो पूछताछ लगातार जारी है। अक्षत अक्सर वहाँ आता था। सवाल है क्यों? जिस पिस्टल से गोली चलाई गई वो किसकी है? ये सीन ऑफ क्राइम किस रंजिश की कहानी को बयां कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल, 3 गोली सीने पर चलाना, गोली की ये पहेली क्या है? अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
बरेली के एक होटल के कमरे में लड़की की लाश मिली। लाश देखकर पता चलता है कि उसका गला बड़ी बेरहमी से काटा गया। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो आलम नाम के लड़के के नाम पर वो कमरा बुक था। पुलिस को लगा कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद आलम की लाश भी ट्रैक पर पड़ी मिली और ये मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसुलझी रह गई कि आलम ने शब्बो को क्यों मारा। एक कत्ल, दो लाश। होटल में कातिल का सुराग। बकरे वाले चाकू से काटी गर्लफ्रेंड की गर्दन। 19 अगस्त 2024 को शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास अभियुक्त आलम द्वारा धारदार हथियार से इस युवती की हत्या करके शव को होटल के रूम के अंदर ही छोड़कर बरेली के एक होटल में अचानक बदबू आने पर वहां के स्टाफ के कान खड़े हो गए। शक होने पर कमरा खोला तो सभी की मानो चीख निकल पड़ी, क्योंकि सामने एक लड़की की टुकड़ों में कटी लाश थी। लाश पर कंधे सहित बॉडी पर 5 गहरे जख्म मिले। लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे, बुरखा बेड पर पड़ा था, यानी क्राइम सीन चीख चीख कर कत्ल की गवाही दे रहा था और कातिल ने बकायदा अपना नाम पता होटल में लिखवा रखा था। लेकिन इस कहानी में एक सस्पेंस अभी बाकी था। प्रीत पैलेस होटल में अभी तकरीबन 12:30 बजे के पास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 25 से 30 वर्षीय युवती की गला काट कर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी और होटल के रूम में उसकी लाश मिली। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि 18 अगस्त को मोहम्मद आलम की आईडी पर कमरा लिया गया था। एक लड़के के साथ लड़की भी पहुंची थी। जो प्रथम दृष्टया लग रहा है उसके जो पहनावा है और वहां पर जो उसका सामान मिला है, बुरका भी मिला है और उसके अन्य पहनावा और शरीर के जो ऊपर जो उसने गहने पहने उससे स्पष्ट है कि कोई मुस्लिम युवती है जिसका किसी युवक द्वारा ये हत्या कर दी गई थी और जो रिसेप्शन पर एंट्रीज है उससे युवक का पता लग गया। पुलिस ये तो समझ चुकी थी कि कत्ल आलम ने ही किया, लेकिन आलम कत्ल कर कहां गायब हो गया ये अब भी मिस्ट्री बना हुआ था। पुलिस की कई टीमें आलम की तलाश में निकली, लेकिन आलम तब मिलता जब जिंदा होता। जल्द ही रेलवे ट्रैक पर आलम की लाश पड़े होने की खबर आई, यानी केस ओपन एंड शट था। पहले प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को मारा, फिर ट्रेन से कट कर अपनी भी जान दे दी। ये लोग ऐसे 18 साल की रात थे, जेंट्स। अच्छा, और कितने लोग थे? एक जेंट्स, एक लेडीज। नहीं, लेडीज नहीं थी। अच्छा, जेंट्स से खाली उन्हीं की एंट्री हुई। क्या नाम था उनका? अली मोबाइल में। आपको कैसे पता चला? मुझे फोन गया था। क्या गाड़ी में क्या फोन गया, क्या पता चला? बोले कि सुनी नहीं कर रहा। घटना शहर कोतवाली के होटल प्रीत पैलेस की है। प्रेमी ने लड़की को क्यों मारा इसका पता अभी नहीं चला है। पुलिस मर्डर सुसाइड के पीछे की वजह पता करने के लिए दोनों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। परिवार वालों ने बताया कि फरजाना उर्फ शब्बो का आलम से अफेयर चल रहा था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने गर्लफ्रेंड के कत्ल की साजिश रची। जिस तरह उसका गला रेता वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। लवर किलर बनने के इरादे से चाकू साथ लेकर गया था। पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि कत्ल की वजह क्या रही होगी। वहां से अभियुक्त फरार हो गया था एवं दिनांक 19 अगस्त 2024 को रात्रि करीबन 9:15 बजे थाना जीआरपी द्वारा धनेटा क्रॉसिंग थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक युवक की ट्रेन के द्वारा रन ओवर के बाद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। परिवारजनों द्वारा अभियुक्त को पहचान लिया गया है। इस घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी है। अब कातिल खुद ही जान दे चुका है तो ऐसी में कार्रवाई लायक कुछ खास तो नहीं बचा। बस यही मिस्ट्री बाकी है कि आलम ने शब्बो को क्यों मारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब एक नजर टॉप 20।